फाइनल दोस्तों, अभी हम जयपुर बस स्टॉप पहुंच चुके हैं और ईदगाह से हमें यहां तक आने में तकरीबन 5 से 5.5 घंटे का समय लग गया। 6:30 बज चुके हैं और आज हम दर्शन करने वाले हैं खाटू श्याम जी मंदिर के। मेरी ये पहली वीडियो खाटू श्याम जी की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है नई वीडियो पे। दोस्तों आज मैं आगरा शहर से खाटू श्याम जी मंदिर जा रहा हूँ, वो भी बस के द्वारा। आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि बस के द्वारा या फिर ट्रेन के द्वारा खाटू श्याम जी मंदिर जाना चाहते हैं आगरा शहर से, तो आज मैं आपको बस के द्वारा खाटू श्याम जी मंदिर कैसे जाए उसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। दोस्तों आपको आगरा शहर के ईदगाह बस स्टैंड आना है, वहाँ से ही खाटू श्याम जी के लिए बस जाती है और अभी मैं बस से ही खाटू श्याम जी जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर के बाद हमें एक और बस लेनी होगी मंदिर जाने के लिए। तो कैसे कैसे आप आगरा शहर से बस के द्वारा खाटू श्याम जी मंदिर जा सकते हो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और दोस्तों अभी मैं हूँ ईदगाह बस स्टैंड पर, तो यहीं से ही हमारी बस है। अभी बसेस भर रही हैं, उसके बाद बस जाएगी। इतना इसका कितना किराया रहता है जयपुर तक का वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और कितने टाइम से कितने टाइम पर बस यहाँ पर चलती हैं, और कैसे आप खाटू श्याम जी मंदिर बस के द्वारा जा सकते हो। फुल डिटेल्स के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों ये सारी जो बस है वो जयपुर जाएंगी। जयपुर के अलावा आप यहाँ से दिल्ली भी जा सकते हो और भरतपुर, बालाजी मंदिर, बहुत जगह की बस यहाँ से मिल जाती हैं। और अभी कुछ ही देर में हमारी बस निकलने वाली है। अभी लोग बैठेंगे, बस भर जाएगी, उसी के बाद बस निकलेगी। अभी यहाँ पर बस की कोई टाइमिंग नहीं है कितने बजे निकलेगी, जब भी बस भर जाती है तो तुरंत निकल देती है। और दोस्तों ये जो ईदगाह बस स्टैंड है, यहाँ से आप राजस्थान साइड में कहीं पर भी जा सकते हो बस के द्वारा। और ये जो स्टैंड है दोस्तों वो आगरा कैंट के पास ही पड़ता है, और चाहो तो आप ट्रेन के द्वारा भी खाटू श्याम जी जा सकते हो। उसके बारे में आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा, फिलहाल अभी बस के द्वारा हम सफ़र करने वाले हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो के अंदर देना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल सके। दोस्तों ये यूपी सरकार द्वारा चलाई गई नई वाली बस है, और वैसे तो जयपुर जाने के लिए आप ट्रेन भी ले सकते हो। वैसे हम ट्रेन से ही जाने वाले थे, लेकिन हम थोड़े लेट हो गए और ट्रेन हमारी मिस हो गई, इसी वजह से हमें ईदगाह बस स्टैंड आना पड़ा। और यहाँ से ही आपको जयपुर के लिए बसेस मिल जाती हैं जो कि दिन भर चलती हैं। और अब हम बस के अंदर चलते हैं, क्योंकि हमारी बस है जो फुल हो चुकी है। अब कुछ ही मिनटों में हमारी बस निकलने वाली है, तो अंदर से बस का नज़ारा कैसा है वो आप देख ही सकते हैं। सीट काफ़ी नई नई है, और एक चीज़ की मुझे कमी लगी, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट मुझे नहीं मिला। और फिलहाल दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी बस निकल चुकी है जयपुर के लिए। तो ये ईदगाह बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, और पूरी बस फुल हो चुकी है। तो निकलते हैं जयपुर के लिए, देखते हैं कितना टाइम हमें आगरा से वहाँ तक पहुँचने में लगता है। और ये बस जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टॉप पर जाएगी, तो चलते हैं और आपसे मिलते हैं हम जयपुर में। दोस्तों अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं, और अभी हम आगरा जयपुर हाईवे पर रुके हुए हैं। बस यहाँ पर रुकी है कुछ देर के लिए, ब्रेक लिया है बस ने, और जो यात्रीगण है वो खाने पीने के लिए यहाँ पर उतरे हुए हैं। और ये आगरा जयपुर हाईवे है, यहाँ से मंदिर तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ी देर यहाँ पर बस रुकेगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है जयपुर पहुँचने में बस से। तो ये स्टॉपेज है बस का, और ये हाईवे कुछ ऐसा देख लीजिए। तो भाई ये आगरा जयपुर हाईवे, यहाँ से बालाजी मंदिर तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, हाईवे ऐसा है। और ये ढाबा है, ये बस स्टॉप है, यहाँ पर बस रुकी है 15 मिनट के लिए। और मैं भी दवा की दुकान देखने के लिए गया था, लेकिन मुझे आसपास कहीं भी दवा की दुकान नहीं मिली, क्योंकि मुझे उल्टी वगैरह की शिकायत थी, दिक्कत थी, इसी वजह से मैं दवा लेने गया था, वो मिली नहीं। तो खैर दोस्तों अभी कुछ देर में बस निकल जाएगी, आधे घंटे बाद फिर हम जाएँगे जयपुर। और गर्मी भी हो गई है बहुत, हवा भी चल रही है, चलते हैं बस में बैठते हैं। आगरा शहर से जयपुर तकरीबन 248 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में हमें काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिले। और दोस्तों इन्हें बोलते हैं अरावली पर्वत, जो कि काफ़ी लंबा पर्वत है। और दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ से मंदिर की दूरी तकरीबन 25 किलोमीटर है, और अभी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों सिकंदरा। ये बालाजी मंदिर जाने का रास्ता है, मेहंदीपुर बालाजी का, और ये बांदीकुई यानी कि दौसा के पास पड़ता है। बाकी दोस्तों हमारी बस यहाँ से निकल चुकी है फिर से एक बार, और काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ी नज़ारे हमें देखने को मिले, जो कि काफ़ी आनंदमय थे। और यहाँ से हमारा रास्ता काफ़ी अच्छा, आगरा से जयपुर का जो रास्ता है उसके बीच में एक पहाड़ पड़ता है, और पहाड़ के बीच में से एक सुरंग बनाई गई है जिसमें से होकर के जयपुर के लिए लोग जाते हैं। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं जयपुर के सिंधी गेट बस स्टैंड पर, और ये बस स्टैंड है जैसे कि आप देख ही रहे होंगे।
और यहाँ उतरते हैं, हम देखते हैं यहाँ से क्या करना है हमें, कैसे फाइनल। दोस्तों अभी हम जयपुर बस स्टॉप पहुँच चुके हैं और ईदगाह से हमें यहाँ तक आने में तकरीबन 5 से 5.5 घंटे का समय लग गया। और ये जयपुर का बस स्टैंड है, यहाँ से हम जाएंगे खाटू श्याम जी मंदिर। और पीछे की तरफ जो आप स्टैंड देख रहे हैं, यहीं से ही खाटू श्याम जी के लिए बसेस जाती हैं। और बस का जो किराया है दोस्तों वो 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। और चाहो तो आप यहाँ पर प्राइवेट बस भी ले सकते हो खाटू श्याम जी मंदिर जाने के लिए। और जो खाटू श्याम जी मंदिर है वो रिंगस के पास पड़ता है, रिंगस यहाँ से बस जाती है और रिंगस यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बस का किराया 100 रुपये मैंने आपको बता ही दिया है। अभी हम प्राइवेट बस से यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है, जहाँ पर खाटू श्याम जी के लिए बस मिलती है सरकारी, और प्राइवेट जो बस है वो बाहर से मिलती है। तो हम बाहर चलते हैं सीधे, देखते हैं वहाँ पर क्या किराया रहने वाला है खाटू श्याम जी मंदिर तक का बस का। दोस्तों ये जयपुर का बस स्टैंड है, ये सुलभ शौचालय की तरफ, और ये जयपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, बस स्टैंड है ये। तो जो खाटू श्याम जी के लिए बस है वो यहाँ से मिलती है, आपको देख सकते हैं खाटू श्याम जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है। यहीं से ही बसें जाती हैं सरकारी, और किराया मैंने आपको बताई दिया है। और स्टेशन इतना बड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पहली बार जयपुर स्टेशन आया हूँ, बस स्टैंड आया हूँ, और मैंने पहली बार बस से सफ़र किया है जयपुर तक का अपनी लाइफ में। वैसे मैं ट्रेन से ही आता था, लेकिन इस बार ट्रेन हमारी निकल चुकी थी, वैसे मैंने बस से सफ़र किया। अभी हम बाहर जाएंगे और प्राइवेट बस लेंगे मंदिर जाने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और बस लेते हैं खाटू श्याम जी मंदिर के लिए, और चलते हैं बताते हैं आपको कितना टाइम यहाँ से लगने वाला है। दोस्तों ये जयपुर बस स्टैंड का गेट है, यहाँ से बसेस अंदर आती हैं, और बाहर जैसे आप देखेंगे तो आपको मेट्रो का पुल देखने को मिलेगा जिसमें मेट्रो चलती है। ये जयपुर मेट्रो का पुल का ट्रैक है। तो बाहर से यहाँ प्राइवेट बसें मिलेंगी मंदिर जाने के लिए, तो हम बस लेते हैं और चलते हैं। दोस्तों ये जयपुर रोड है और ये मेट्रो का स्टेशन है ऊपर की तरफ, और यहाँ से बसेस मिलेंगी हमें। दोस्तों ये एक प्राइवेट बस है जो कि हमें सीधे खाटू श्याम जी मंदिर तक लेके जाएगी, और इसका कितना किराया रहता है और कितने टाइम में ये हमें पहुंचा देती है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और ये बस कुछ ऐसी है अंदर से जैसे आप देख रहे हैं, और अभी शाम के दोस्तों तकरीबन 3 बज चुके हैं और हमारी बस कुछ ही देर में निकलने वाली है। 3:19 पर यह निकली थी, और देखते हैं कितना टाइम लेती है ये खाटू श्याम जी मंदिर तक हमें पहुँचाने में। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और वेट करते हैं, और अभी हमारी बस निकल चुकी है 5 मिनट बाद ही। और ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये है जयपुर का सिंधी कैंप बस स्टैंड का बाहर का नज़ारा है, और यहीं से आप प्राइवेट बस ले सकते हो। इसका किराया थोड़ा ज़्यादा है सरकारी बस के मुकाबले। तो चलते हैं और आपको हम मिलते हैं सीधे खाटू श्याम जी मंदिर के पास। फाइनल दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी मंदिर। मंदिर की दूरी यहाँ से दोस्तों 500 मीटर है। दोस्तों हम बैठे थे जयपुर बस स्टैंड से, यहाँ से हमने प्राइवेट बस ली थी, इसका किराया 150 रुपये था, और ये इस बस ने हमें प्राइवेट बस स्टैंड पर उतारा जो कि खाटू श्याम जी मंदिर के पास पड़ता है। वैसे आप अगर बस लेते हो सरकारी तो वो रिंगस तक आपको ले जाती है, अगर आप रिंगस तक आते हो तो वहाँ से आपको फिर से ऑटो वगैरह लेना पड़ता है, और अगर आप प्राइवेट बस में आते हो तो आप प्राइवेट बस स्टैंड तक आ सकते हो जो कि खाटू श्याम जी मंदिर के पास है। और यहाँ का किराया 150 रुपये था मात्र, और तकरीबन यहाँ पर आने में हमें 2 घंटे का समय लग गया। और हम ईदगाह से निकले थे सुबह तकरीबन 8 बजे, वहाँ पर हमें करीबन 4 से 5 घंटे लगे थे जयपुर पहुँचने में। और वहाँ से जो किराया था दोस्तों वो था 292 रुपये का टिकट था सिंगल पर्सन का ईदगाह से जयपुर तक का। और ये यहाँ पर मंदिर जाने के लिए रास्ता है, अभी हम मंदिर चलते हैं और देखते हैं मंदिर की दूरी यहाँ से कितनी है। फिलहाल जो बस के ड्राइवर थे उन्होंने बताया यहाँ से मंदिर की दूरी तकरीबन 500 मीटर है। तो चलते हैं और आज आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराऊंगा, फिलहाल अभी हम मंदिर की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर कितना दूर है। और सुबह ये खाटू श्याम जी का प्राइवेट बस स्टैंड, क्योंकि हमें जयपुर से यहाँ पर लेकर आए थे भैया बस वाले, और यहाँ से मंदिर 500 मीटर है, तो हमें यहाँ से पैदल ही सफ़र तय करना होगा। बाहर आते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खाटू श्याम जी के काफ़ी सारे भक्त हैं जो कि दर्शन के लिए आए हुए हैं, और ये मंदिर का मुख्य द्वार है खाटू श्याम जी का। यहाँ से मंदिर थोड़ा ही दूर है, पैदल हमें थोड़ा चलना होगा, और भीड़ इतनी आप देख सकते हैं, होली की छुट्टियाँ हैं और सारे लोग खाटू श्याम जी। सुबह ये थी हमारी आगरा से खाटू श्याम जी मंदिर तक की बस यात्रा।
हमने ईदगाह बस स्टैंड से बस ली थी और उसका किराया था 292 रुपये। फिर हम जयपुर पहुंचे 5 घंटे में, सिंडी कैंप जो बस स्टैंड है वहां पर। दोस्तों हमने जयपुर पहुंचकर मंदिर जाने के लिए प्राइवेट बस ली थी जिसका किराया था 150 रुपये, और अगर आप सरकारी बस लेते तो उसमें आपको 100 रुपये देने पड़ते, लेकिन हम प्राइवेट बस से गए थे। उस बस ने हमें मंदिर के पास उतारा था जो कि एक प्राइवेट बस स्टैंड है, वहां से मंदिर की दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। और अगर आप रिंगस तक जाते हो जयपुर से, तो वहां से आपको अलग से ऑटो वगैरह लेने पड़ते हैं, उसके 20-30 रुपये आपको देने पड़ते हैं। और अगर आप प्राइवेट बस में जाते हो तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, उसके शायद मान लो अगर आप सरकारी बस से जाओगे तो उसके 100 रुपये लगेंगे, बाकी 20-30 रुपये आपको रिंगस से देने पड़ेंगे मंदिर तक के। तो कुछ ऐसा किराया होने वाला है आपका आगरा शहर से अगर आप बस से जाते हो खाटू श्याम जी मंदिर। और दोस्तों अगर आप चाहो तो ट्रेन के द्वारा भी खाटू श्याम जी मंदिर जा सकते हो। आगरा कैंट से बीकानेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस जाती है रोजाना सुबह 6 बजे, आप एक बार ट्राई कर लेना स्टेशन पे जाकर के, और जो कि आपको रिंगस तक लेकर जाती है। और इसके अलावा आप चाहो तो आगरा फोर्ट से भी ट्रेन ले सकते हो। आगरा फोर्ट से सुबह इंटरसिटी जाती है, अजमेर इंटरसिटी, जो कि सुबह 6 बजे निकलती है। उससे भी आप जयपुर जा सकते हो, जयपुर से सीधे आप खाटू श्याम जी मंदिर यानी कि बस स्टैंड पर जाकर के खाटू श्याम जी के लिए बस ले सकते हो, और उसका किराया काफ़ी ज़्यादा कम भी रहने वाला है और टाइम भी आपका काफ़ी ज़्यादा बचेगा। मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ था बस में, सुबह मैं 8 बजे निकला था बस से और मुझे तकरीबन 5 बज गए शाम के पहुँचते। बाकी दोस्तों ये थी हमारी कुछ जानकारी आपके लिए मंदिर जाने तक की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जल्दी ट्रेन यात्रा की वीडियो लाऊँ खाटू श्याम जी मंदिर की। तो इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कमेंट में जय खाटू श्याम जी महाराज जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तो नमस्कार, जय जय भारत।